हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए बाप, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन ए एचसीपी एरे ऑफ ऑक्साइड आयन. मतलब ऑक्साइड आयन्स जो है वो एचसीपी पोजीशन पे हैं विद टू आउट ऑफ एवरी थ्री ऑक्टाहेड्रल होल्स. मतलब टू थर्ड ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल्स जो हैं वो बेसिकली किसने ऑक्यूपाई करे हुए हैं, ऑक्यूपाइड बाय द फेरिक आयन्स. तो हमें ड्राइव करना है फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड. ड्राइव फॉर्मूला कहने का मतलब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. अब आप ये याद रखो कि एचसीपी के अंदर बेसिकली इफेक्टिव एटम 6 होते हैं, इफेक्टिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 होते हैं, और इफेक्टिव टेट्राहेड्रल वॉइड जो है दे आर 12. जितने इफेक्टिव एटम्स हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और टेट्राहेड्रल वॉइड उसका डबल होते हैं. तो सबसे पहले हमने पोजीशन लिख ली कि फेरिक आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, ऑक्साइड आयन एचसीपी पोजीशन पे है. तो अब फेरिक आयन जो है टू थर्ड ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है एचसीपी में 6, तो 2/3 ऑफ 6 कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 4. ऑक्साइड आयन ने बेसिकली एचसीपी लैटिस बनाया है. देखिए तो एचसीपी लैटिस का मतलब इफेक्टिव ऑक्साइड आयन कितना हो गया 6, तो अब Fe4 हो गया O6. हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, तो सिंपल रेशियो बिटवीन Fe एंड O कितनी हो जाएगी 2:3. आप 2 कॉमन से इसे डिवाइड कर दोगे तो फॉर्मूला क्या आ गया Fe2O3. ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर. ये हमें बताना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा या एन टाइप. पहला दिया हुआ है जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम, सेकंड है सिलिकॉन डोप्ड विद बोरोन. अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को देखें, ये दोनों ही ग्रुप 14 के एलिमेंट है, दैट इज कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ये हो गया. और अगर हम 13 ग्रुप के एलिमेंट को देखें, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, तो ये 13 ग्रुप है, ये 14. अगर हम 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को 13 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ डोप करेंगे, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अगर हमने 14 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को डोप करा है तो डेफिनेटली देर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. और अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर बनाएंगे, पी टाइप. अगर हम 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ डोप करते तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाते, क्योंकि 15 ग्रुप के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता, एक्सेस में होता. तो उस केस में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता. 14 ग्रुप को अगर 15 ग्रुप के एलिमेंट के साथ डोप करोगे तो एन टाइप बनेगा, 14 को 13 ग्रुप के साथ डोप करोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करेंगे. अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. इसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल. पहला है स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, फिर है इंटरस्टिशियल, देन इज एफ सेंटर्स. हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है, सबसे पहले डिफाइन करना है दैट इज स्कॉटकी डिफेक्ट. ठीक है, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या हुआ, स्कॉटकी इफेक्ट होता है जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस. जैसे मान लो, इमेजिन करो अगर हमने एक लैटिस ले लिया NaCl का, ठीक है, Na+ प्लस आयन हो गया, Cl- माइनस Na+ प्लस, ठीक. यहाँ इसके बाद Cl- माइनस होना चाहिए, यहाँ से हमने मिस कर दिया, ये Na+ प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, Cl- माइनस. अब Na+ प्लस Cl- माइनस यहाँ पे क्या होना चाहिए, Na+ प्लस होना चाहिए. मान लो यहाँ से भी Na+ प्लस मिस कर गया, Cl- माइनस Na+ प्लस. इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो हैं वो अपनी लैटिस साइड से क्या कर जाते हैं, मिस हो जाते हैं. तो ओवरऑल चार्ज क्या रहता है, सेम ही रहता है. चाहे कोई भी डिफेक्ट हो, चाहे वो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है या नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, ओवरऑल चार्ज जो होता है सॉलिड में वो सेम रहता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर कैटायन और एनायन, यहाँ से कैटायन मिसिंग है, यहाँ पे एनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं फ्रॉम द लैटिस. तो इसकी वजह से डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आयंस कम हो गए हैं. अब इस तरह का डिफेक्ट किस तरह के सॉलिड में देखा जाता है, देखा जाता है उस सॉलिड में जिसमें कैटायन और एनायन का साइज नियरली सेम हो, जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, KBr हो गया, इस तरह के इसके एग्जांपल हो जाएंगे. आपको समझ आ गया ये चीज, ठीक है. अब हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट. फ्रेंकल डिफेक्ट में दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन सम ऑफ द आयंस ऑफ द लैटिस ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन. जनरली ये वो आयंस होते हैं विच आर स्मॉलर इन साइज. इंटरस्टिशियल पोजीशन होती है जो लैटिस साइड्स के बीच की जो पोजीशन होती है, ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन, दस लीविंग द लैटिस साइड वेकेंट. ड्यू टू दिस डिफेक्ट
डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डज नॉट चेंज, क्योंकि कोई भी आयन लैटिस को छोड़ के तो गया नहीं. स्कॉटकी डिफेक्ट में तो आयन्स लैटिस से ही बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस लैटिस की एनर्जी उस सॉलिड की डेंसिटी जो है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज. लेकिन इसमें कोई भी आयन लैटिस छोड़ के तो बाहर जाता नहीं है, तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन सेम. और इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं, इसमें कैटायन और एनायन के साइज के बीच में डिफरेंस होता है, और इसमें एनायन जो होता है इट इज लार्जर इन साइज देन दी कैटायंस. तो जनरली कैटायंस जो है वही इंटरस्टिशियल पोजिशन को ऑक्यूपाई करते हैं. तो एग्जाम्पल आ गया है AgBr जिंक सल्फाइड. वैसे AgBr वो सॉलिड होता है जो दोनों डिफेक्ट दिखाता है, मतलब ये स्कॉटकी डिफेक्ट भी दिखाता है और ये फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखाता है, ये दोनों के अंदर आता है. अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है कि इस केस में जो एटम्स या आयन्स ऑक्यूपाई करते हैं वेकेंट स्पेसेस जो प्रेजेंट होती हैं इन द इंटरस्टिशियल पोजिशन, जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें ट्रैप हो जाते हैं. स्मॉल साइज के एटम जनरली उन पोजीशंस में क्या कर जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं. एक्स्ट्रा एटम्स एफ सेंटर, दीज आर दी एनायनिक साइट्स विच आर ऑक्यूपाइड बाय दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज दी एफ सेंटर्स. एफ सेंटर्स इम्पार्ट कलर टू दी क्रिस्टल. NaCl, इसका एग्जाम्पल क्या है, NaCl क्रिस्टल हीटेड विद दी सोडियम वेपर्स, येलो कलर इज प्रोड्यूस्ड. अब देखो यहाँ पे समझो इस बात को कि एनायनिक साइट्स हैं विच आर ऑक्यूपाइड बाय दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे NaCl का आयनिक सॉलिड है, जैसे Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, Na प्लस Cl माइनस, ये हो गया, ठीक है. अब अगर हम इसे सोडियम वेपर के साथ हीट करते हैं, सोडियम वेपर मतलब सोडियम इन गैशियस स्टेट, उसके साथ हीट करते हैं, तो Na जो है Na प्लस में चेंज हो जाएगा, आयोनाइज कर जाएगा विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो होता ये है कि वन ऑफ दी क्लोराइड आयन इस सोडियम आयन के साथ लैटिस से बाहर निकल जाता है, लैटिस से बाहर निकल जाता है. अगर ये लैटिस से बाहर निकल गया तो हमने बात पहले भी करी थी कि ओवरऑल सॉलिड जो है वो न्यूट्रल रहता है. तो अगर ये Na प्लस और Cl माइनस लैटिस से बाहर निकल गए एज अ NaCl, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पोजीशन पे क्या कर जाता है, ट्रैप हो जाता है. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लैटिस साइड इज नोन एज द एफ सेंटर, इसे एफ सेंटर कहते हैं. अब ये कलर कैसे दिखाता है, विजिबल लाइट जब इन क्रिस्टल के ऊपर गिरती है तो विजिबल लाइट से ये एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड, तो जिसकी वजह से ये सॉलिड जो है कलर दिखाते हैं. फिर से देख लो, NaCl के सॉलिड को हमने सोडियम वेपर से हीट करा, सोडियम वेपर जो है Na से Na प्लस आयोनाइज कर गया, तो ये Na प्लस यहाँ पे जो क्लोराइड आयन था Na प्लस Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाया, ये NaCl जो है लैटिस से क्या कर गए, बाहर चले निकल गए, ये बाहर निकल गए, ठीक. तो यहाँ पे ये जो लैटिस साइट है खाली बची है उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, ट्रैप हो गया. एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट एट द लैटिस साइट, अनपेयर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द लैटिस साइट इज नोन एज द एफ सेंटर. और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉलिड्स क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन ए क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर. क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया CCP. CCP स्ट्रक्चर कह दीजिए या FCC. और इसमें इट्स मेटालिक रेडियस R की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 125 पिकोमीटर दिया हुआ है. क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल. हमें लेंथ बतानी है साइड ऑफ द यूनिट सेल, मतलब हमें ए की बताना है, ए दैट इज एज लेंथ हो गया. सेकंड पार्ट, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 cm³ ऑफ द एल्युमिनियम. हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बताने हैं 1 cm³ ऑफ द एल्युमिनियम में. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल दैट इज ए फाइंड आउट करना है. तो CCP कह दो या इसे FCC यूनिट सेल कह दो. FCC यूनिट सेल में रिलेशन जो होता है A और R के बीच में √2A = 4R के बराबर है, ठीक है. R हमारे पास है तो इसे A आ जाएगा, तो A हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज 4R/√2. तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी हमने, दैट इज 4 × R हमारे पास कितना है, 125 पिकोमीटर, तो √2. तो ये भी किस में आ जाएगा, आंसर पिकोमीटर में ही आ जाएगा, दैट इज 354 पिकोमीटर. तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एज लेंथ कितनी आ गई है, 354 पिकोमीटर, ठीक है. अब हमें अगला क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, दैट इज हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 cm³ ऑफ द एल्युमिनियम. 1 cm³ में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल आएंगे. अब देखो यहाँ पे ये ए की वैल्यू आई है,
एज लेंथ आ गई है, ठीक है, तो ए क्यूब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो उतने वॉल्यूम में एक यूनिट सेल आएगा। मेरी आप बात समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है। ए हमारे पास आ गया यानी कि साइड ऑफ द क्यूब आ गई है एक यूनिट सेल की, तो जिसे हम वॉल्यूम ऑफ द वन यूनिट सेल फाइंड आउट कर लेंगे। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया मतलब उतने वॉल्यूम में एक यूनिट सेल आता है, तो इससे हम पता लगा लेंगे कि एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे, यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल फाइंड आउट कर लिया, दैट इज ए क्यूब, और एज लेंथ की हमें वैल्यू दी हुई है 354 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर जो है वो 10^-10 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 10^-12 मीटर के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करा, तो 354 × 10^-10 सेंटीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल जो है वो 442 × 10^-25 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इतने वॉल्यूम में एक यूनिट सेल आता है, तो हमें पता लगाना है कि एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल आते हैं, तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 442 × 10^-25 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन वन यूनिट सेल। तो वन सेंटीमीटर क्यूब अगर हम वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें कितने यूनिट सेल आ जाएंगे, 1/442 × 10^-25 नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। फिर से देख लो, एक सेंटीमीटर क्यूब के ये जो वॉल्यूम है ये काफ़ी छोटा हो गया, इतने वॉल्यूम में एक यूनिट सेल आ जाता है, तो एक सेंटीमीटर क्यूब तो बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया, तो एक सेंटीमीटर क्यूब में के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे, दैट इज 2.26 × 10^-22 नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 25। हमें दिया हुआ है कि NaCl का जो सॉलिड है उसमें 10^-3 मोल परसेंट स्ट्रोंशियम क्लोराइड हमने डोप करा है, मतलब मिक्स करा है हमने, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। अब इसको इस तरह से विजुलाइज करो सॉलिड को कि ये Na+Cl- का सॉलिड है, ठीक है। ठीक, हमने इसके अंदर स्ट्रोंशियम आयन डाला। अब जितने कैटायन हो, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इसके अंदर एक स्ट्रोंशियम 2+ आयन डालते हैं तो इसका मतलब वो +2 चार्ज के बराबर हो गया। तो एक स्ट्रोंशियम आयन जो है वो बेसिकली कितनी वैकेंसी को क्रिएट करेगा। देखो यहाँ पे अगर मैंने मान लो यहाँ से Na+ हटा दिया तो यहाँ पे स्ट्रोंशियम आयन इसकी जगह पे आ गया। अब यहाँ पे 2+ चार्ज है, इसका मतलब यहाँ से एक और Na+ क्या कर जाएगा, मिस हो जाएगा। तो एक स्ट्रोंशियम आयन ने वैकेंसी कितनी क्रिएट करी, तो वैकेंसी तो एक ही क्रिएट करी, तो एक स्ट्रोंशियम आयन जो है वो एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक जगह पे तो वो खुद ही आ गया Na+ की जगह, तो वो तो वैकेंसी नहीं मानी जाएगी। तो यहां पे Na+ मिस हो गया ना, तो एक स्ट्रोंशियम आयन एक कैटायन वैकेंसी को क्रिएट कर रहा है। अब हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन हमने इसके अंदर ऐड करें। नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन, जितने नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होगी, कैटायन वैलेंसी होगी, ठीक है। अब ये कितने हैं, 10^-3 मोल परसेंट, एक मोल के अंदर कितना नंबर हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 × 10^-23 हो गया, × 10^-3 मोल हो गया परसेंटेज, × 1/100। आपको समझ आ गया, एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ आयन हो जाएंगे, 6.02 × 10^-23 नंबर ऑफ आयन्स हो गए, ठीक है, इतने स्ट्रोंशियम आयन हो गए, और हमने एक मोल में इतने हैं, तो 10^-3 मोल में कितना हो जाएगा इसका, और इसका परसेंटेज 20%, जैसे अगर आप कहते हो 10^-3 मोल परसेंटेज, तो × 1/100 हो जाएगा ये, इतने नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 6.023 × 10^18 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू जो है सिंप्लीफाई करने के बाद कितनी आ गई हमारे पास, 6.023 × 10^18 ये आ गया। इतनी कैटायन वैकेंसीज जो हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी, इतनी कैटायन वैकेंसीज जनरेट हो जाएंगी बाय दी डोपिंग ऑफ 10^-3 मोल परसेंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। एक स्ट्रोंशियम आयन एक कैटायन वैकेंसी को क्रिएट करता है, ठीक है।
तो एक स्ट्रॉन्शियमाइन एक कैटायन वैकेंसी को क्रिएट किया। तो अब हमने देख लिया कि जितने नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियमाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज होंगी। तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियमाइन है, उसने लिखा है 10^-3 मोल परसेंट। एक मोल के अंदर कितने स्ट्रॉन्शियमाइन हुए, 6.023 × 10^23 आयंस हुए। और 10^-3 का मोल का मतलब ये हो गया, और परसेंटेज का मतलब × 1/100 हो गया। अब आपको समझ आ गया। तो इसका मतलब कैटायन वैकेंसीज कितनी क्रिएट हुई, 6.023 × 10^18 कैटायन वैकेंसीज क्रिएट हुई। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रेफर टू अदर पीपल ऑल्सो। थैंक यू।